हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मोटोरोला का जो भी फ़ोन आता है, जो वो ये कह के वो लोग बेचते हैं कि मोटोरोला नियर एंड्रॉयड स्टॉक एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि नियर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ जो भी मोटोरोला के फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जो भी नियर एंड्रॉयड स्टॉक एक्सपीरियंस जो भी बोला जा रहा है उसमें क्या गलतियाँ हैं या क्या खामियाँ हैं, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मेरा मैंने फ़ोन लिया था, मोटोरोला G40 फ्यूज़न लिया था, ये आप देख सकते हो, मोटोरोला G40 फ्यूज़न मैंने मोबाइल लिया था ये। और इसमें बहुत सारे गूगल के ऐप्स थे, गूगल के ऐप्स मतलब कि गूगल के बहुत सारे ऐप्स थे, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती वो सारे ऐप्स गूगल्स के थे। मैंने बहुत सारे डिलीट किए, कुछ ऐप्स वो जो हैं वो डिलीट नहीं हो सकते, और वो जिसमें जैसे कि आप ये देख सकते हो, गूगल वन डिलीट नहीं हो पा रहा है, और गूगल प्ले मूवीज़ ये वाला एप्लीकेशन डिलीट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे तो मैंने डिलीट कर दिए, लेकिन ये दो तीन चार एप्लीकेशंस हैं वो एकदम डिलीट ही नहीं हो सकते, क्योंकि क्योंकि जो मोटरोला के फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें ये ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि गूगल के बहुत सारे ऐप्स दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि गूगल्स के ऐप्स देना नियर एंड्रॉयड स्टॉक एक्सपीरियंस के जैसा कुछ है नहीं इसमें, और जो भी इसमें ऐप्स दिए जा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा पुराना फ़ोन था वो भी मोटरोला का फ़ोन था, और जो ये नया फ़ोन लिया है ये भी मोटरोला का फ़ोन है। तो जो पुराना फ़ोन था उसमें अगर आप यूट्यूब और वगैरह खोलते हो, जो गूगल के ऐप्स हैं, तो उसमें एड्स बहुत कम एड्स आते थे। जो नया फ़ोन लिया है मैंने, उसमें भर भर के एड्स आते हैं, यूट्यूब पे तो भर भर के एड्स आते हैं। जब मैं अपना पुराना मोटोरोला का फ़ोन यूज़ करता हूँ, और जब मैं अपना ये नया मोटोरोला G40 फ्यूज़न का फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो दोनों में ये क्या डिफरेंस आता है कि जो मोटोरोला का जो ये नया वाला फ़ोन है, इसमें यूट्यूब वीडियो प्ले करने के बाद दो दो तीन तीन चार चार एड्स आ जाते हैं, जबकि मेरे पुराना मोबाइल है उसमें भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसमें सिर्फ एक ऐड आता है, बहुत कम ऐड्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, लोग सोचते हैं कि जो मोटोरोला का ये वाला फ़ोन है वो आप ये सोचते होंगे नियर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो फ्रेंड्स अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो इसका प्राइस है, इतना कम प्राइस पे क्यों बेच रहा है मोटोरोला, आपको पता होना चाहिए कि जो इसका इतना कम प्राइस होने का बहुत रीज़न होता है, क्योंकि जो इनमें एड्स दिखाते हैं, एड्स कहाँ दिखाते हैं, दूसरे मोबाइल्स से हैं, जो दूसरे ब्रांड्स के मोबाइल्स हैं उसमें पॉपअप नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें एप्लीकेशंस के कोई नोटिफिकेशन नहीं आते, आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो यूट्यूब है, गूगल के ऐप्स हैं, उसमें जो एड्स आते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे एड्स आते हैं यूट्यूब पे, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल एड्स आते हैं, और बिना ऐड का कोई वीडियो चालू नहीं होता। मैं इस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रीमियम में जाएंगे तो फिर आपको मोबाइल का कॉस्ट तो सेम ही पड़ेगा, और अगर आप मोटोरोला G40 फ्यूज़न लिए हैं और इसकी प्राइस के हिसाब से ये एड्स दिखाते हैं, और गूगल के यूट्यूब पे बहुत सारे जो एप्लीकेशन है गूगल के, उस पे ये लोग एड्स की भरमार भरे रहते हैं, और जो गूगल प्ले मूवीज़ वगैरह है ऐप्स, ये अनइंस्टॉल भी नहीं हो पाता, तो जो इसका मूवीज़ का सेल करने का ये सब इन लोग का रहता है, तो इससे जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उनसे इनकी कमाई होती है, और फिर जो भी इसका पैसा होता है वो उसको मोबाइल के प्राइस में मेकअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।